जब कोई आदमी गिरफ्तार किया गया हो या पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने वाला हो या फिर उसको ऐसा डर हो कि कोई इसे झूठे केस में फंसा करके गिरफ्तार करवा सकता है, तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए या फिर जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश लेना होता है उस आदेश लेने के प्रोसेस को जमानत यानी बेल कहते हैं। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेल यानी जमानत क्या होती है, कितने तरह की होती है और बेल कैसे ली जाती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल या जमानत तीन तरह की होती है, बेलेबल ऑफेंस में बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल और अग्रिम यानी एंटीसिपेटरी बेल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस में बेल के बारे में। जमानती अपराधों में एक्यूज्ड की जमानत एक्सेप्ट करना पुलिस अधिकारी और कोर्ट की ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाना, मानहानि करना वगैरह जमानती अपराध है। जमानती अपराध में थाने से ही बेल मिल जाती है, लेकिन कुछ स्टेट में केस कोर्ट में भी चला जाता है, तब एक्यूज्ड को कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन देनी होती है और कोर्ट को बेल देनी ही होती है। दूसरी होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल। आमतौर पर सीरियस नेचर के अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। ऐसे अपराधों में जमानत एक्सेप्ट करना या ना करना कोर्ट के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसपास, चोरी के लिए हाउस ट्रेसपास, मर्डर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह गैर जमानती अपराध है। इनमें जमानत आईपीसी सेक्शन 437 के तहत मिलती है। तीसरी होती है अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट का वो ऑर्डर होता है जिसमें किसी पर्सन को उसके गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत दे दी जाती है। गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी पर्सन अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट सुनवाई के बाद कंडीशनल एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। ये जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है। एंटीसिपेटरी बेल का ये प्रोविजन आईपीसी सेक्शन 438 में दिया गया है। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देने पर शिकायत करने वाले को भी कोर्ट इस तरह की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना देती है, ताकि वो चाहे तो कोर्ट में इस एंटीसिपेटरी बेल का विरोध कर सके। चलिए हम बात करते हैं जमानत के लिए दिए जाने वाले बेल बॉन्ड के बारे में। जमानत के लिए किसी अपराध के आरोपी को जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट के सामने जो प्रॉपर्टी जमा की जाती है या कोई प्रॉपर्टी देने का जो प्रॉमिस किया जाता है, उसे बेल बॉन्ड कहते हैं। जमानत देकर कोर्ट इससे बिंदास हो जाता है कि आरोपी सुनवाई के लिए कोर्ट में जरूर हाजिर होगा। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो वो आदमी जिसने उस अपराधी की जमानत दी है वो उसे पकड़कर कोर्ट या पुलिस को सौंपेगा, वरना उस पर्सन की जमानत जब्त कर ली जाएगी या जमानत में दी गई राशि को कोर्ट में जमा करवा लिया जाएगा। यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि कई स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, राजस्थान में लोगों को जमानत के लिए एक ही जमानती देना होता है, लेकिन कई दूसरे स्टेट जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लोगों को जमानती के ऊपर एक शिनाख्ती भी देना होता है। ये शिनाख्ती ये कहता है कि वो जमानती को जानता है और जमानती एक जिम्मेदार आदमी है। अगर अपराधी भाग जाए तो जमानती उसे पकड़कर कोर्ट के सामने लाने के लिए कैपेबल है, लेकिन कोर्ट का शिनाख्ती पर किसी भी तरह का कोई कानूनी दबाव नहीं होता है और ना ही शिनाख्ती कोर्ट में किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए हम बात करते हैं कि बेल या जमानत मिलने की शर्तें क्या होती है। जमानत पर रिहा होने का मतलब आपकी आजादी तो है, पर आप पर कई तरह की बंदिशें भी कोर्ट के द्वारा लगा दी जाती है। ये बंदिशें बेल बॉन्ड से अलग होती है, जैसे कि आप रिहा होकर के शिकायत करने वाले को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी गवाह या सबूत को आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट आप पर विदेश न जाने के लिए भी बंदिश लगा सकता है और आपका उसी शहर में रहना या किसी फिक्स्ड एरिया में रहना तय कर सकता है, या आपका किसी फिक्स्ड दिन या फिर हर रोज पुलिस स्टेशन में आकर के हाजिरी लगवाना भी फिक्स कर सकता है। ऐसा न करते पाए जाने पर कोर्ट आपकी बेल को रद्द कर सकता है। ज्यादातर मामलों में ये पाया जाता है कि शिकायत करने वाला कोर्ट में झूठी शिकायत दे देता है कि आरोपी बेल या जमानत लेकर के उसका मिसयूज कर रहा है और गवाहों को और उसे धमका रहा है, जिससे कि आरोपी की जमानत रद्द हो जाए। ऐसे में आपको इन चीजों से बचना होगा और सावधान रहना होगा। चलिए हम बात करते हैं कि बेल यानी जमानत मिलने का क्राइटेरिया यानी मापदंड क्या होता है। अदालतों में जमानत देने के मापदंड बहुत ही अलग होते हैं। कुछ अपराध की सीरियसनेस पर डिपेंड करते हैं तो कई कानूनी कार्रवाई पर। मान लीजिए कि किसी गंभीर अपराध में 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है और पुलिस को उसमें 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो आरोपी जमानत का अधिकारी होता है।
अक्सर सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति को कोर्ट ने जमानत दे दी और बाकी किसी और की जमानत नहीं हुई। एक लड़के को चोरी की कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़ा गया, उसके पास चाकू भी था, उसे जेल भेजा गया, अदालत में पेश किया गया। अदालत में उसके वकील ने जमानत पर छोड़ने की याचिका लगाई और 21 साल का वो लड़का केवल इसलिए जमानत पर बाहर आ सका क्योंकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान पर रिहा नहीं किया, लेकिन मां की मौत हो जाने पर उन्हें मानवीय आधार पर जमानत दे दी। आरोपी अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मांग सकता है, इसमें जमानत का आवेदन देना होता है। तब कोर्ट देखता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है, दूसरा ये कि जमानत मिलने पर कहीं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। चलिए हम बात करते हैं कि कोर्ट से बेल या जमानत कैसे लेते हैं। जमानत लेना क्रिमिनल प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल काम होता है और इसी चीज की क्लाइंट को सबसे ज्यादा जरूरत भी होती है। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन में ये जरूर लिखना चाहिए कि शिकायत करने वाले ने आपके खिलाफ ये झूठी FIR क्यों करवाई है। इसका कारण आपको जरूर बताना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट आपको दोषी समझती है, मुजरिम समझती है, तो कोर्ट को ये बताना बहुत ही जरूरी होता है कि ये आपके खिलाफ क्यों किया गया है, ताकि कोर्ट का सबसे पहले ये विचार सही हो सके कि FIR पूरी तरह से सच्ची नहीं है। दूसरा, आपके खिलाफ जो FIR की गई है उसमें आपको कमियां निकालनी चाहिए कि किस तरह से वो FIR झूठी है। जैसे कि कोई आप पर सड़क एक्सीडेंट का आरोप लगाता है तो आप ये देखें कि आपकी कार आगे से नहीं टकराई है, तो ये लाजमी है कि दूसरे ने ही आकर आपको टक्कर मारी है। अगर आपने टक्कर मारी होती तो आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा उससे टकराता। दूसरा, जैसे कोई आप पर मार पिटाई का आरोप लगाए तो आप अपने जख्म भी मेडिकल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में दिखाएं कि अगर आपने अपने साथियों के साथ मिलकर के उसे बुरी तरह पीटा था तो आपको भी तो चोट लगी है, वो कैसे लग सकती है। इसका मतलब ये है कि पहले लड़ाई उसने ही आपको पीट करके शुरू की थी। इसके लिए आप CCTV कैमरे की कोई रिकॉर्डिंग हो तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, या आप मोबाइल द्वारा अपनी लोकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। गिरफ्तारी होने के बाद जांच एजेंसी को छोटे अपराधों में 60 दिनों में और सीरियस क्राइम्स में 90 डेज में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी ही होती है। इस दौरान चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर CRPC सेक्शन 167(2) के तहत आरोपी को जमानत मिल सकती है। अगर आप पर पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी बेल लेने का एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है। आप बेल के लिए अपनी टैक्स रिटर्न या अपने घर पर डिपेंडेंट परिवार के लोगों या अपनी कम उम्र का सहारा लेकर के भी बेल ले सकते हैं। बेल या जमानत लेने में सबसे बड़ी बाधा पुलिस यानी IO यानी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सरकारी वकील होते हैं। अगर वो आपकी बेल का ज्यादा विरोध नहीं करें तो कोर्ट का मन आपको बेल देने का बन सकता है। जज साहब भी इंसान ही होते हैं, इसी तरह से बेल लेने के लिए हमेशा जज साहब का आपको मूड देखना चाहिए कि कोर्ट बेल के बारे में क्या सोच रही है और किस तरह से किस बात और किस पॉइंट को ज्यादा पसंद कर रही है, तो उसी तरह से आपको जज साहब को समझाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेल या जमानत मिलना या मिलना 80% तक आपके वकील पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर पाता है और बेल ले पाता है। इसलिए हमेशा आपको कोई अच्छा और समझदार वकील लेकर के ही बेल का काम उसको सौंपना चाहिए। बेल देने का आखिरी फैसला कोर्ट का ही होता है। ऐसे में मामला अगर गंभीर हो और गवाहों को इन्फ्लुएंस किए जाने का अंदेशा हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती है। ट्रायल के दौरान अहम गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो भी आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, रेप के केस में विक्टिम अगर ट्रायल के दौरान मुकर जाए तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर वो आरोपी के खिलाफ बयान दे दे तो जमानत मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यही सिचुएशन दूसरे मामलों में भी होती है। गैर जमानती अपराध में किसे जमानत दी जानी चाहिए और किसे नहीं दी जानी चाहिए ये कोर्ट ही तय करता है, और इसको तय करने का कोई स्टिक कानून नहीं बनाया गया है। ये पूरी तरह से जज साहब के विवेक पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आपको जज के सामने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए जिससे वो आपको बेल देने के लिए तैयार हो जाए। चलिए हम बात करते हैं कि बेल का विरोध कैसे करें। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें अपराधी को सबक सिखाने के लिए बेल या जमानत का विरोध करना पड़ता है। अगर शिकायत करने वाली लड़की होती है तो बेल का विरोध करने के लिए कोर्ट की ओर से आपको एक नोटिस आएगा, और अगर आप एक पुरुष हैं तो कोर्ट में आपको एक कैविट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। जब भी आरोपी की बेल लगे तो आपको विरोध के लिए नोटिस मिले, ऐसा आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कोर्ट जाएं तो जो भी आपके मेडिकल के पेपर आपके पास हैं आपको उन्हें साथ लेकर के जाना चाहिए और दिखाकर बेल या जमानत का विरोध करना चाहिए।
कोर्ट में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बहुत ही डिसेंसी और समझ से देने चाहिए ताकि कोर्ट को ये लगे कि आप सही हैं। हमेशा कोर्ट में अपराधी के बाहर आने पर खुद और बाकी गवाहों और सबूतों को इन्फ्लुएंस्ड होने का आरोप लगाना चाहिए कि अपराधी बेल या जमानत लेकर के उसका मिसयूज कर रहा है। अगर कोर्ट अपराधी को बेल दे भी दे तो आप ऊपर की कोर्ट में उसकी बेल खारिज करवाने की अप्लीकेशन लगा सकते हैं। सरकारी वकील और पुलिस यानी के IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर आपको पूरी नजर रखनी चाहिए। अगर वो अपराधी की तरफदारी करे या उसका बेल होने में साथ दे तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और उन्हें बदलवा भी सकते हैं। आप बेल का विरोध करने के लिए अपना वकील अपॉइंटमेंट कर ले तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बेल क्या होती है, कितने तरह की होती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल कैसे ली जाती है और बेल का विरोध कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।